सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। हबीबों में रिश्ते फिर हुए कलंकित। चाचा ने 6 साल की भतीजी के साथ किया दुराचार। 6 साल की बच्ची से दुराचार का मामला सामने आया है। पारिवारिक चाचा ने दिया बच्ची से दुष्कर्म का अंजाम। पुलिस ने मामला किया दर्ज। महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। अभियुक्त अभी तक पुलिस से की गिरफ्त से बाहर। घटना स्थल पर ASP CO मौजूद। मामला हमीरपुर जनपद के विमा थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक पारिवारिक चाचा ने अपनी 5 साल की भतीजी के साथ घर में जाकर दुष्कर्म कर डाला। जब मां को यह बात पता चली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 साल की मासूम ने सुनाई अपनी मां को यह दास्तां। पीड़ित की मां ने बताया कि उसकी 5 साल की मासूम को उसके चाचा ट्रॉफी के बहाने घर से ले गया था और घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं कोतवाली में शिकायत मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मासूम को मेडिकल के लिए जिला स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके चाचा हैं, परिवार के हैं। तो कहाँ, कैसे, क्या, कैसे ले गए थे इनको? इनको घर में आए थे, कह रहे थे चलो टॉफी दिलाएंगे, इसको ले गए और वहीं पे दुष्कर्म किया है। पता कैसे चला आप लोग? ये आई, इसने खुद बताया। फिर आप लोग पुलिस के पास गए? ये थाना क्षेत्र बिवार में कल शाम ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि लड़की के चाचा ने ही उसके साथ गलत काम किया है। परिवार की तहरीर पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया और जो बच्ची है उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। इसी क्रम में जो अभियुक्त था वो वहाँ रात का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। आज सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी की गई है और उससे पूछताछ करते हुए, तमाम एविडेंस इकट्ठा करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।